चला फलंदाजीसाठी फलंदाजांची जोडी मैदान उतरवायची आहे आणि पुन्हा एकदा आपण वळूया सन्मान्य यासीन सर यांच्याकडे. यासीन सर ओव्हर टू यू. धन्यवाद निनाद. आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं यासीन मर्चेंट तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलता हूं इस शानदार मैदान पर. अर्णव गौरी पुरस्कृत जय हनुमान धोकड़े बनाम स्वरांश पुरस्कृत शिवशक्ति लोणारे, इन दोनों टीमों के बीच ये मैच हमें देखने को मिलेगा. टॉस जीता था जय हनुमान धोकड़े टीम ने और सबसे पहले हमेशा की तरह फील्डिंग करने का यहां पे फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए दावत दी है शिवशक्ति लोणारे टीम को. अंपायर जी का यहां पे इशारा आ चुका है. संजय पाटिल सर मैन फ्रॉम मुंबई और उसी के साथ डांसिंग अंपायर प्रकाश अस्तमकर मैन फ्रॉम जिराड. सलामी बल्लेबाज के रूप में हम देख सकते हैं तुषार पाटिल और उनके साथी बल्लेबाज सुयश पाटिल, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी करण तोड़नकर के ऊपर. युवा खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, टैलेंट में कोई कमी नहीं है मगर अनुभव की थोड़ी सी कमी है. पांच ओवर का यह मुकाबला होगा. सूरज की किरणें, सूरज की छुआएं और उसी वजह से इस माहौल में, इस क्लाइमेट में देखिए बहुत ही तपिश नजर आ रही है, झुलसा देने वाली यह गर्मी. जी हां, स्ट्राइकिंग एंड पर तुषार पाटिल. जी हां, हाफ ट्रैकर गेंद थी, उसे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में खेला है. गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, शानदार स्क्वायर कट. ये पहला चौका आता हुआ, चौके से आगाज किया है, चौके से शुरुआत की है. तुषार के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका, थोड़ी सी हाफ ट्रैकर गेंद थी. जी हाँ, इस पर दबा फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद, मगर लेग स्टंप पर थी, हुक किया है और इस पर दबा गेंद को खेल दिया है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर. दर्शक दीर्घा में गेंद 6 रन के लिए. याज दरमियान विनंती असेल साहिल नागवेकर, साहिल नागवेकर यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठाकडे यावं. तुषार पाटील अर्थात भाई नाम से जाने जाते हैं, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है. अक्सर उन्होंने अपने टीम के लिए लंबी लंबी पारियां खेली है, अच्छा योगदान दिया है और आज भी देखिए शुरुआती गेंद के साथ आक्रामक तेवर यहां पे आजमाते हुए. जी हाँ, फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर हाफ ट्रैकर गेंद, वही नसीहत और सही नतीजा. गेंद फिर से एक बार डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन के लिए.
मैंने पहले ही कहा था कि करण तोड़ंकर एक बेहतरीन खिलाड़ी है, शानदार बल्लेबाज, अच्छे गेंदबाज, मगर उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है और इसी वजह से बल्लेबाज भाई के एक पास एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है। हाफ ट्रैकर गेंदे करना इस खिलाड़ी के सामने आपको कितना महंगा साबित हो सकता है, ये भाई ने दिखा दिया। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, इस मरतबा लेन गेंद थी और उसे ऑन द राइज खेलने की कोशिश थी, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद कमर की ऊंचाई तक उठी और थोड़ी सी कट होकर सीधा पैर से टकराई। आणि याच दरम्यान एक पारितोषिक आलेला आहे, फक्त भाईसाठी हे पारितोषिक असेल, परी हॉलिडेज यांच्या तर्फे। भाई यांनी जर लगोपाठ 6 चेंडूवरती 6 षटकार मारले तर 5,000 रुपयाचं पारितोषिक आणि मंडळातर्फे 5,000 रुपयाचं एकूण 10,000 रुपयाचं पारितोषिक फक्त भाई यांच्यासाठी असेल। 5 गेंदे हो चुकी है, 5 गेंदों में रनों की संख्या 15 रन बिना कोई नुकसान, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। जी हाँ, फिर से एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी मगर इस मरतबा स्ट्राइकिंग एम पर बल्लेबाज थे सुयश पाटिल, उसे स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे बैकफुट पर जाकर, हालांकि अपने बल्ले का फेस खोला था मगर तेज तर्रार गेंद बल्लेबाज को चकाती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में, गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। देखते देखते यहाँ पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, पहले ओवर में 15 रन खर्च किए करण तोड़नकर ने, हालांकि 30 गज का दायरा मौजूद था और 30 गज के दायरे के अंदर हमेशा हम देख सकते हैं कि 12-15 रन आ ही जाते हैं और इसी लिहाज से दोनों भी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की है, ये मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि 30 गज के दायरे का फायदा उठाना बेहद जरूरी है, वरना फिर रनों की संख्या बहुत ही निराश करती है और अगर आपका बॉडी लैंग्वेज और उसी के साथ साथ आपका आत्मविश्वास अगर बढ़ाना हो तो पहले दो ओवर काफी महत्वपूर्ण होते हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। फिर से एक बार देखिए स्ट्राइकिंग एंड पर 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से 15 रन बनाकर तुषार पाटिल हमें नजर आ रहे हैं, अर्थात भाई, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी अतुल मात्रे के ऊपर, अपना निजी पहला ओवर लेके आए हैं। फुल टॉस नहीं कर सकते, भाई तैयार रहते हैं और इस तरह के अगर सुनहरे तोहफे दोगे तो उसे स्वीकार करेंगे। बहुत ही शानदार करारा, फिर से एक बार भाई के बल्ले से आता हुआ लंबा छक्का। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 21 पर, 21 उमरान मलिक का ये जर्सी नंबर। 21 का आंकड़ा भारतीय संस्कृति में बहुत ही शुभ माना जाता है। 15 रन के साथ एक छक्का लगाने के बाद सीधा 21 रनों की संख्या हमें नजर आ रही है, तेजी के साथ सनसेक्स की तरह ये रनों की संख्या उछल रही है। स्वागत किया है यहां पे अतुल मात्रे का पहली गेंद पर, ओहो इस पर दबा आउटसाइड दिया ऑफ स्टंप गेंद, उस गेंद का पीछा किया था, उस गेंद के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, क्योंकि गेंद ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद ऑफ कटर गेंद थी, हरकत करती हुई अंदर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दी, सीधा विकेट कीपर केटी के दस्तानों में, बिंदी गेंद, बहुत ही बढ़िया वापसी में कहूंगा अतुल मात्रे की। राइट आर्म ओवर द विकेट प्रदर्शन जारी है। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर भटके और अंपायर जी ने दिए फटके, वाइड का इशारा अंपायर जी का, वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 22 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। दूसरा ओवर प्रगति पथ पर, अतुल मात्रे हालांकि एक गेंद बिंदी कर चुके हैं मगर एक छक्का भी इस ओवर में हमें देखने को मिला है, कुछ मिला जुला यहां पे ओवर मगर अभी भी 4 गेंदे आना बाकी है और सेट बल्लेबाज जिनकी आंखें जम चुकी है और एक अनुभवी बल्लेबाज भाई, बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। इस मरतबा ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, भाई के बल्ले से बाहरी सिरा लिया उस गेंद ने और थर्ड मैन सीमारेखा की बाहर गेंद गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है 26 पर, 26 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ
किसी भी तरह की विकेट यहां पे बल्लेबाजी करने वाली टीम ने गवाई नहीं है। ये एक बल्लेबाजों के लिए अच्छी बात, दोनों भी बल्लेबाज अब यहां पे सेट हो चुके हैं। हालांकि सुयश को खेलने का मौका नहीं मिला, मात्र एक गेंदों का सामना किया और अपना खाता अब तक उन्होंने खोला नहीं है। जी हाँ, इस पर दबा उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास था मगर गेंद बहुत ही खराब ऑफ स्टंप को छोड़कर और ऑफ स्टंप के बहुत ही बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने फिर से एक बार अपने बाहों को खोला है और इशारा कर दिया है वाइड का। जितनी वाइड गेंदें करोगे उतना ही यहाँ पे बल्लेबाजों के ऊपर का जो प्रेशर होता है वो रिलीज होगा, इसीलिए वाइड से बचना होगा। जी हाँ, इसमें दबाव फिर से एक बार अल्टी पल्टी खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर अतुल मात्रे की मैं सराहना करना चाहूंगा, तारीफ के काबिल, देखा परखा और बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे उस गेंद को डिलीवर किया था जो गेंद टपा खाने के बाद सीधा शरीर से जाके टकराई। लेग बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा, रनों की संख्या हो चुकी है 28 रन। अगर एक रन यहाँ पे आता है तो गेंदबाजी करने वाली टीम खुश होगी, बड़े स्ट्रोक से वंचित रखना है। जी हाँ, इसमें तब अपना खाता खोला है सुरेश पाटिल ने, बहुत ही बढ़िया ये स्ट्रोक था, शॉर्ट पॉइंट के सर के ऊपर से खेला, फिर से एक बार उसी रीजन में गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। तीस गज के दायरे का किस तरह से फायदा उठाया जाता है उसका उत्तम उदाहरण यहाँ पे पेश किया है बल्लेबाजी करने वाली टीम स्वरांश पुरस्कृत शिव शक्ति लोनारे टीम ने, क्योंकि पहले दो ओवर की समाप्ति के बाद हम देख सकते हैं रनों की संख्या 16 रन के औसत से 32 रन पर पहुंचे हैं। अब यहाँ पे 30 गज का दायरा हटने के बाद फील्ड पूरी तरीके से फैलाई जाएगी और उसके बाद यहाँ से चौका निकालना बहुत ही मुश्किल है, आपको हवा के रास्ते से सीमा रेखा के बाहर गेंद को खेलना होगा, हवाई फायर करने होंगे, हवाई सफर करानी होगी गेंद को, क्योंकि देखिए डीप कवर में एक फील्डर तैनात है, उसी के साथ एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ हमें नजर आता हुआ, लॉन्ग ऑन की दिशा में एक फील्डर तैनात है, उसी के साथ एक डीप मिड विकेट हमें नजर आ रहा है और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में एक फील्डर तैनात, जबकि 30 गज के दायरे के अंदर एक बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ एक शॉर्ट कवर, शॉर्ट फाइन और एक शॉर्ट फाइन लेग और एक शॉर्ट थर्ड मैन नजर आ रहा है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं संकेत मात्रे, संकेत मात्रे गेंद को घुमाना जानते हैं और ये विकेट अर्थात टर्निंग ट्रैक, मगर ये खराब गेंद हाथों से छिटकती हुई, अंपायर जी की तरफ से नो बॉल का इशारा, नो बॉल के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और उसी के साथ साथ यहां पे फ्री हिट भी रहेगा, एवरी नो बॉल इज इक्वल टू फ्री हिट। अब बल्लेबाजों को एक सुनहरा मौका यहां पे मिला है, किसी भी तरह से बल्लेबाजी कर सकते हैं, आउट होने का कोई खतरा नहीं है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, उसे खेला है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए शानदार झन। तुषार बस चौके और छक्कों से ही डील कर रहे हैं, 39 रन ऑन स्कोर कार्ड, तुषार खेल रहे हैं 31 रन बनाकर और सुयश पाटिल खेल रहे हैं 4 रन बनाकर, जबकि नोबॉल के रूप में और वाइट के रूप में भी यहां पर रन हमें देखने को मिले हैं। खराब गेंद, फुल टॉस लेग स्टंप पर, फिर से एक बार सही नसीहत और वही नतीजा गेंद सीमा रेखा के। रनों की संख्या के लिए दौड़ लगानी पड़ती है मगर इसीलिए दोस्तों अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है, डाइट को फॉलो करना पड़ता है और उसी के साथ जिम ज्वाइन करनी पड़ती है
रनिंग के लिए वक्त देना पड़ता है। जी हाँ, फिर से एक बार आज बरसते हुए बैक टू बैक 3 छक्के भाई के बल्ले से और 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बहुत बहुत मुबारक। नागेश्वर क्रीड़ा मंडल की जानिब से हर हैट्रिक के लिए, छक्कों की हैट्रिक हो या चौकों की हैट्रिक या विकेट की हैट्रिक के लिए 1,000 रुपए का इनाम है और वो इनाम यहाँ पे भाई ने जीता है। बहुत बहुत अभिनंदन। फिर से एक बार शानदार, लाजवाब, जबरदस्त और एक छक्का भाई के बल्ले से, ये लगातार 4th छक्का। और अब यहां पे भाई को आधा शतक अपना व्यक्तिगत लगाने के लिए मात्र 1 रनों की जरूरत। 49 रन पर पहुंचे हैं भाई। तालियों की गड़गड़ाहट यहां पे सुनाई दे रही है। क्या कमाल की पारी खेली है भाई ने। शिव शक्ति लोनारे टीम एक बहुत ही जानी मानी टीम है। बहुत ही लंबे अरसे से इकट्ठा ये खिलाड़ी खेल रहे हैं मगर अपने काम के सिलसिले में क्रिकेट से कभी कभी दूर नजर आते हैं। मगर आज देखिए, फिर से एक बार वही ताकत, वही फॉर्म और वही रौद्र रूप भाई का नजर आता हुआ। ओहो, इस मतलब देखिए आप, कलात्मक गेंदबाजी, शानदार रचनात्मक गेंदबाजी में कहूंगा, क्योंकि लेन गेंद जरूर थी। वहां से टप्पा खाने के बाद अंदर बाहर की तरफ गेंद को घुमाने की क्षमता संकेत में जरूर है। आज संकेत बहुत ही खर्चीले और बहुत ही महंगे साबित हुए मगर ये कमाल का खिलाड़ी है। आज सही मायनों में रिदम में नजर नहीं आए, इसी वजह से बहुत मार खानी पड़ी। जी हाँ, इसमें तो ढीले हाथों के साथ उस गेंद को ढकेला और शॉट मिड विकेट की दिशा में ढकेल कर 1 रन कंप्लीट करते हुए 50 का आंकड़ा, व्यक्तिगत रूप से 50 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। भाई का आधा शतक यहाँ पे मुकम्मल। और देखिए बल्ले को हवा में लहराते हुए और मान वंदना स्वीकार करते हुए भाई नजर आए। बहुत ही जबरदस्त आज रंग में, अपने असली रूप में नजर आए भाई। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 58 रन, 58 रन ऑन स्कोर कार्ड। भाई खेल रहे हैं 50 पर जबकि सुयश पाटिल खेल रहे हैं 4 पर, 16 गेंदों में 50 रन मुकम्मल कर लिए हैं भाई ने। आधा शतक अपना उन्होंने लगाया है। इसके पहले आधा शतक लगाने वाले बल्लेबाज हमारे गुण लेखक जी हमें बताते हुए कि 2-3 खिलाड़ी और हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता में आधा शतक अपना व्यक्तिगत रूप से बोर्ड पर लगाया। उसमें अर्जुन भगत कोलेश्वरी भाग के, जिन्होंने 15 गेंदों में 58 रन बनाए थे, 58 रन। और सातिर जे के खिलाड़ी है निखिल चौहान, उन्होंने 16 गेंदों में 50 रन अपने टीम के लिए जोड़े थे। उसी के साथ आधा शतक और लगाने वाले और एक खिलाड़ी है वागेश्वर धोगोड़े के मंगेश, जिन्होंने 19 गेंदों में 60 रनों की पारी खेली थी। नागेश्वर आवास के स्वस्तिक मात्रे ने 15 गेंदों में 52 रनों का योगदान दिया था अपने टीम के लिए। और ये लगता हुआ शिव शक्ति लोनारे की जानिब से तुषार पाटिल अर्थात भाई की जानिब से ये 5वां आधा शतक इस प्रतियोगिता का। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। 16 गेंदों में 50 रन यहां पे मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। अब यहां पे जयहनुमान धोकोड़े टीम को और उनके गेंदबाजों को सोचना पड़ेगा। अर्णव गौरी पुरस्कृत जयहनुमान धोकोड़े के सभी गेंदबाजों को अब यहां पे सोचना होगा क्योंकि अभी भी 2 ओवर आने बाकी है। इन 12 गेंदों में रनों को सुखाना होगा, विकेट को चटकाना होगा वरना यह मैच उनके हाथों से दूर जा सकती है। हालांकि उनके पास अभी भी वक्त है, अगर यहाँ पे लगातार विकेट चटकाते हैं, एक एक रन के लिए बल्लेबाजों को तरसाते हैं तो मैच में वापसी हो सकती है। और इसी सोच के साथ करण तोड़नकर फिर से एक बार आए हैं। जी हाँ, ये देखिए पहली गेंद पर ही हवा में गेंद, केटी उस गेंद के नीचे और सेफ हैंड में, बहुत ही बढ़िया कैच, उस गेंद के नीचे आए, बहुत ही बढ़िया तरीके से उसे जज किया और इसी के साथ पहली गेंद पर एक सेट बल्लेबाज भाई मैदान से बाहर।
पहला झटका, पहले विकेट का पतन भाई के रूप में। भाई ने 17 गेंदों में 50 रन अपने टीम के लिए जोड़े, बहुत ही बढ़िया पाली यहां पे खेलकर मैदान से बाहर आ चुके हैं। भाई आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं, रोशन पाटिल 51 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए, स्ट्राइकिंग इन पर हम देख सकते हैं। अब यहां पे 30 गज का दायरा हट चुका है, फील्डिंग भी पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है और करण तोड़नकर के ऊपर मनोवैज्ञानिक जो दबाव था वो यहां से हट चुका है, क्योंकि पहली गेंद पर उन्होंने शिकार की है तुषार पाटिल की अर्थात भाई की। बहुत ही बढ़िया शुरुआत और इसी तरह से यहां पे लगातार गेंदबाजी करनी होगी, एक एक रन के लिए यहां पे बल्लेबाजों को तरसाना होगा, बड़े स्ट्रोक से महरूम करना होगा। जी हां, यहां पे पहली गेंद पर अक्रॉस द लाइन लॉन्ग लेग की दिशा में बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक तुषार पाटिल के बल्ले से आता हुआ, यह पहला चौका। नए बल्लेबाज रोशन यहां पे अपना अकाउंट चौके के साथ खोलते हुए दिखाई दिए और रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 62 पर। रोशन पाटिल स्ट्राइकिंग गेंद पर, जी हां, इस पर दबा फिर से एक बार अपने घुटने के बल जाकर मिड विकेट की दिशा में उछाल कर खेलने की कोशिश थी, मगर तकदीर वाले रहे, गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा गिरा लिया और शॉर्ट फाइन लेग के सर के ऊपर से गेंद डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। ये दूसरा चौका आता हुआ रोशन पाटिल के बल्ले से, हालांकि रोशन पाटिल एक शानदार और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है मगर अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं, आज उनकी तकदीर उनको साथ दे गई। जी हां, फिर से एक बार उस गेंद को खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में, दो खिलाड़ियों के बीच में से गैप को ढूंढा है, रोशन पाटिल के बल्ले से आता हुआ यह लगातार तीसरा चौका। रोशन ने जीता है 1000 रुपए का इनाम जो कि नागेश्वर क्रीड़ा मंडल आवास की जानिब से लगातार 3 चौके लगाने वाले बल्लेबाज को 1000 रुपए की इनामी राशि नगद दी जाएगी। इसके पहले ओमकार राणे ने लगातार 3 चौके लगाकर ये नगद इनामी राशि अपने नाम की थी। इस चौके के सहायता से रनों की संख्या देखिए फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है 70 पर, 70 फॉलोस अप 1 विकेट। जी हां, ये चौथा चौका, रैम शॉट या पल्लू स्कूप कुछ भी कहे मगर जी हां, सुपला शॉट, गेंद लॉन्ग स्टॉप रिजर्व में सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। लगातार 4 चौके, हालांकि पहली गेंद पर बहुत ही बढ़िया शुरुआत की थी करण तोड़नकर ने, सेट बल्लेबाज को चलता किया था। जी हां, ये देखिए फिर से एक बार किस तरह से अजीब और गरीब शॉट यहां पे देखने को मिला है, इसमें दबा डीप बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को फील्ड करने में कामयाब तो रहे वहां के फील्डर, उनकी तारीफ तो बनती है मगर फिर भी दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ यहां पे जुटा लिए हैं, कमाल की बल्लेबाजी। आज फिर से एक बार रोशन उसी फॉर्म में लौटते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, अपने सही रूप में और असली रंग में नजर आ रहे हैं, क्योंकि 5 गेंदों में उन्होंने 3 चौके लगाए और उसी के साथ यहां पे अपनी टीम के लिए तकरीबन 18 रन बनाए हैं इन 5 गेंदों में और रनों की संख्या को देखिए पहुंचा दिया है 76 पर, बहुत ही मजबूत स्थिति में विशाल यहां पे स्कोर हमें नजर आता हुआ, क्योंकि अभी भी 1 ओवर आना बाकी है, कितने रन बनेंगे इसका अंदाजा लगाना यहां से बहुत ही मुश्किल हो सकता है, मगर गेंदबाज इस बीच नए गेंदबाज आए सिद्धांत तोड़नकर, सिद्धांत को अंतिम ओवर अच्छी तरीके से करते हुए कुछ हद तक यहां पे कंट्रोल करना होगा रनों की संख्या को, वरना ये मैच उनके हाथों से फिसलता हुआ नजर आएगा, दूर जाता हुआ नजर आएगा। इस अंतिम ओवर में भी इस मैच को कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि 5 ओवर का मुकाबला है, 5 ओवर में आप कभी भी कमबैक कर सकते हो मगर इस ओवर के ऊपर सारा निर्भर होगा रिजल्ट। जी हां, बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहां पे गेंदबाज सिद्धांत की,
बाएं हाथ से राउंड द विकेट यहां पे गेंदबाजी करते हुए, लेन गेंद जरूर थी मगर टप्पा खाने के बाद एक नेचुरल जो स्विंग और एक एंगल जो मिलता है वो यहां पे करण को मिला और बैकफुट पर जाकर उस गेंद को कवर पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश में चूक गए थे बल्लेबाज। जी हाँ, इसमें हवा में गेंद जरूर है मगर क्या उस गेंद के नीचे फील्डर पहुंच पाएंगे। बहुत ही बढ़िया कैच, डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने उस गेंद के ऊपर अंतिम क्षणों तक निगाहें रखी, आत्मविश्वास के साथ उस गेंद के नीचे आए और आखिरकार उस गेंद को अपने पाले में कर दिया और यहां पे मिलता हुआ और एक विकेट टीम अर्णव गौरी पुरस्कृत जयहनुमान धोकोड़े को। अंतिम ओवर यहां पे प्रगति पर, सिद्धांत तोड़नकर की जितनी तारीफ करे उतनी कम, काबिले तारीफ यहां पे गेंदबाजी की है। जैसे मैंने कहा कि अंतिम ओवर में अगर रनों को सुखा देते हैं, अगर दो तीन रन ही यहां पे खर्च करते हैं तो ये मैच उनके कंट्रोल में रहेगा। इस मैच को जीतने की लालसा, इस मैच को जीतने की ललक और उस मैच को जीतने का आत्मविश्वास बना रहेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बने रहनी बहुत ही जरूरी है और इसी वजह से सिद्धांत तोड़नकर ने बिल्कुल इस मैच को अब तक नहीं खोया है, अभी तक आत्मविश्वास के साथ यहां पे गेंदबाजी की है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत में कहूंगा सिद्धांत तोड़नकर की, क्योंकि सेट बल्लेबाज सुयश पाटिल को उन्होंने चलता किया है, पहली गेंद बिंदी की थी, अब उनके सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज मंदार म्हात्रे। बाएं हाथ के गेंदबाज, जी हाँ, फुल टॉस गेंद बच गए, फुल टॉस गेंद थी लेग स्टंप पर मगर कारपेट के सहारे उस गेंद को खेला था, हालांकि गेंद को मिड विकेट के ऊपर से उड़ाने की कोशिश थी मगर मिस टाइम कर गए, गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगकर शॉट फाइनली की दिशा में ट्रैवल कर रही थी और इसी वजह से इस बीच मंदार को एक ही रन लेने का मौका मिला। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 77 रन, अभी भी तीन गेंदे आना बाकी। पहली तीन गेंदों में सिद्धांत तोड़नकर ने मात्र एक रन खर्च किया है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। देखिए कभी कभी तकदीर भी सही होना बहुत ही जरूरी है, यहां पे तकदीर ने साथ दिया मगर इस पर दबा, सामने पड़ी हुई गेंद तैयार थे, हाफ वॉली बनाकर उसे उछाल कर खेला है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में गेंद 6 रन। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 83, 83 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, अभी भी दो गेंदें आना बाकी। जी हां, फिर से एक बार बिहाइंड द विकेट डगलस मरिलियर शॉट यहां पे खेलने की कोशिश कर रहे थे रोशन मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बहुत ही बढ़िया यहां पे गेंदबाजी, एक छक्का जरूर आया है सिद्धांत के इस ओवर में मगर 5 गेंदों में मात्र 7 रन खर्च किए हैं सिद्धांत ने और एक सफलता अपने नाम की है, कमाल की गेंदबाजी। जी हां, फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर जड़ में डाल दिया था, रोशन के पास उसका कोई जवाब नहीं था, लाजवाब कर दिया है रोशन को और क्या कमाल का फिनिश किया इस ओवर को सिद्धांत तोड़नकर ने, एकमात्र ऐसे गेंदबाज जिन्होंने यहां पे कंट्रोल किया है, आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी की है और अब यहां पे हम भी इस मैच को जीत सकते हैं इसकी एक ललक और भावना पैदा की है। कुल मिला के रनों की संख्या में फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा 83 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं, जीतने के लिए 84 रनों की जरूरत। यानंतर होणारा सामना राजा शिव छत्रपति किहिम आणि अविनाश माते पुरस्कृत भेरसे दोन्ही संघांचे संघ नाईक। चला आपण टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। आय रिपीट, राजा शिव छत्रपति किहिम संघाचे कर्णधार आणि अविनाश माते पुरस्कृत भेरसे संघाचे कर्णधार। चला आपण टॉस करण्यासाठी त्वरित या मधल्या वेळेमध्ये टॉस होणं अपेक्षित आहे। पुन्हा एकदा सामना जोपर्यंत सुरू होईल तोपर्यंत मी आपल्या सर्वांना घेऊन जाणार आहे
माझे साथी समालोचक निनाद कदम यांच्याकडे धन्यवाद। धन्यवाद यासीन सर। मैदानात रंगणारा सामना आपण पाहतोय, अर्णव गौरी पुरस्कृत जयर्मान धोकोडे विरुद्ध स्वरांश पुरस्कृत शिवशक्ती लोणारे। नाणेफेकीचा कौल केला गेला, नाणेफेकीचा कौल जिंकून अर्णव गौरी पुरस्कृत जयर्मान धोकोडे संघाच्या कर्णधाराने प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला। मात्र या सामन्यात त्यांचा हा जो निर्णय होता तो काही अंशी चुकीचा ठरला असं म्हणावं लागेल, कारण पहिल्याच सलामीच्या भूमिकेत आलेला तुषार पाटीलने आपण पाहिलं तर 5 षटकार 6 षटकार आणि त्याचबरोबर 3 चौकांच्या साह्याने 17 चेंडूंमध्ये अर्धशतक झळकवलं। आपण पाहिलं तर या स्पर्धेतील आलेलं हे 4थं अर्धशतक आपण पाहतोय। या स्पर्धेत आतापर्यंत आपण पाहिलं तर येणार आहे पाचवं अर्धशतक। पहिलं अर्धशतक आलं पहिल्या दिवशी कोळेश्वरी बाग संघाच्या अर्जुन भगतने 15 चेंडूंमध्ये 58 धावांची खेळी केली होती। दुसरं अर्धशतक आपण पाहिलं काल स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी, जे जर्मन सातवी संघातील निखिल चव्हाण या फलंदाजाने लगावलं 16 चेंडूंमध्ये 50 धावा। आणि त्यानंतर तिसरं अर्धशतक आलं ते म्हणजे वागेश्वरी धोकोडे संघाच्या मंगेश म्हाळुंगे या फलंदाजाने 19 चेंडूंमध्ये 7 धावांची त्यांनी खेळी केली। त्याचबरोबर कालच आपण पाहिलं, कालच्या दिवशी 3 अर्धशतक आपण पाहिली। तिसरं अर्धशतक आलं ते म्हणजे नागेश्वर क्रीडामंडळ आवासच्या वतीने खेळणाऱ्या स्वस्तिक म्हात्रे याने 15 चेंडूंमध्ये 52 धावा जमवल्या। आणि त्यानंतर आज आपण पाहतो या सामन्यामध्ये तुषार पाटील स्वरांश पुरस्कृत शिवशक्ती लोणारे संघाच्या फलंदाजाने 17 चेंडूंमध्ये 50 धावा फटकावल्या। आणि ह्या 5 अर्धशतकांमध्ये एक वैशिष्ट्य आपण पाहिलं तर माझा स्कोरर मित्र गुणलेखक मित्र विराज सखी आम्हाला सांगतोय की ही 5 अर्धशतक ही आलेत ती म्हणजे सलामीरांकडून, सलामीराच्या भूमिकेत आलेल्या ह्या 5 फलंदाजांनी अर्धशतक झळकवलेत आणि त्यामुळे या मैदानावर या खेळपट्टीवर धावा खोऱ्याने बनवले जातात असंच म्हणावं लागेल। नाणेफेकीसाठी पुन्हा एकदा मी पुकार देतोय पुढील सामन्यासाठी राजा शिवछत्रपती किहिम संघाचा कर्णधार, त्याचबरोबर अविनाश म्हात्रे पुरस्कृत भेरसे संघाच्या कर्णधाराला। मित्रांनो त्वरित आपण यायचंय नाणेफेकीसाठी, आपल्याला वारंवार पुकार दिला जातोय, आपण जास्त उशीर केला तर मात्र कठोर निर्णय देखील घेण्यात येईल याची नोंद घ्यायची। मित्रांनो राजा शिवछत्रपती किहिम संघाचा कर्णधार, त्याचबरोबर अविनाश म्हात्रे पुरस्कृत भेरसे संघाचा कर्णधार। आणि दोन्ही कर्णधार उपस्थित झाल्यानंतर विनंती असेल सन्माननीय यासीर सर यांना, कर्णधार उपस्थित झाल्यानंतर आपण टॉस बॉक्स इथच्या इथे जाऊन नाणेफेक करून घ्यायचे। पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे वळूया, दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होते, सेकंड इनिंगला सुरुवात होते। 84 धावांचं आव्हान आहे आणि धावांचं आव्हान पार करण्यासाठी संकेत म्हात्रे आणि त्याच्या साथीला आपण पाहतोय आलाय तो म्हणजे कुंदन तोडेकर। लॉफ्ट ड्राईव्हचा फटका, अप्रतिम फटका, चौकरने आपल्या खेळीला सुरुवात करतोय तो म्हणजे संकेत म्हात्रे। संकेत म्हात्रेने एक चौकार नक्कीच लगावलाय यावेळेस, मात्र चांगला चेंडू, चेंडूला सन्मान दिला, या चेंडूवर एक धाव घेतली जाते। चौकार नंतर आपण पाहतोय चांगला चेंडू होता, याला सन्मान दिला, एकही धाव घेतली, स्ट्राईक रोटेट केले आणि आपल्या साथी फलंदाजाला इथे संधी दिली ते म्हणजे खेळण्यासाठी। संकेतला आपण पाहिलं डावखुराताचा फलंदाज, त्याचबरोबर डावखुराताचा फिरकी गोलंदाज आणि आपण पाहिलं एपीएल अलिबाग प्रीमियर लीगच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या दोन्ही पर्वामध्ये त्याची वर्णी लागली होती। आणि संकेतला सलग जर संकेतने 6 चौकार लगावले तो त्याला परी हॉलिडेज यांच्याकडून 5000 रुपयाचं पारितोषिक आहे। त्याचबरोबर या स्पर्धेत आपण पाहिलं तर 5000 पारितोषिक सलग 6 चौकार आणि 6 षटकांसाठी देखील आहे। यावेळेस मात्र चांगला चेंडू, मात्र पंच अष्टमकर सर आपल्या अनोख्या शैलीत आपल्याला सांगतायत हा चूक किती महागा ठरणार, कारण कुंदनला आपण पाहिलं तर एक आक्रमक फलंदाज पुन्हा एक चांगला फटका देणे लगावला या चेंडूवरती, धाव नक्कीच इथे धावा अडवल्या जात आहेत।
दोन धावा पूर्ण केल्या जात आहेत. आपल्या संघासाठी दोन धावा क्षेत्ररक्षकाने वाचवल्यात, पण मागील चेंडू झालेली चूक एक मोठी चूक म्हणावी लागेल. धावसंख्या आपण पाहतोय झाली ती म्हणजे 14 धावा. या षटकाचा विचार केला, चार चेंडू आलेले आहेत, चार चेंडूंमध्ये 14 धावा धावफलक लागलेले आहेत. षटकरने आपल्या खेळीला सुरुवात केली, कुंदनने चौकरने आपल्या खेळीला सुरुवात केली ती म्हणजे संकेतने. दोन्ही फलंदाज महत्वपूर्ण फलंदाज आहेत आणि आपल्या संघाला सलामीवीराच्या भूमिकेत चांगली सुरुवात करून देत आहेत. पुन्हा एकदा उजव्याशीच्या बाहेर जाणारे चेंडू, मात्र पंच सांगतायत चेंडू खेळण्याच्या मर्यादेमधला. आणि अष्टमकर सरांकडे आपण सर्वांचं लक्ष आपण पाहतोय, ज्याप्रमाणे ते आपल्या अनोख्या शैलीमध्ये ते व्हाइट बॉल नो बॉल सांगतात, त्याचबरोबर एका अनोख्या शैलीत नृत्य करून ते आपल्या चौकर षटका देखील दाखवतात. लोअर फुलटा चेंडू या चेंडूला खेळून काढला, एक क्षेत्ररक्षक चेंडू पर्यंत पोहोचणार का, प्रयत्न यशस्वी होतोय, चौकार येतोय या षटकातील दुसरा चौकार. होते अंतिम चेंडू चौकार आला, पहिले षटका अखेरीस आल्यात 18 धावा. आता जर इक्वेशन पाहिलं, समीकरण पाहिलं, तर अजूनही या सामन्यातील चार षटकांचा खेळ बाकी आहे, या सत्रातील म्हणजे 24 चेंडू. आणि विजयासाठी आवश्यकता असेल ती म्हणजे सहासष्ट धावांची, 66 रन्स रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 24 डिलिव्हरीज. 24 चेंडू आणि 66 धावांची आवश्यकता. या मैदानात आपण पाहिलं तर ही धावसंख्या पार होऊ शकते. काल आपण पाहिलं 84 धाव जमवायच्या होत्या, त्या म्हणजे वागेश्वर धोकडे संघाला. आणि एका सलवेराने 19 चेंडूमध्ये तडाखेबंद 60 धावांची खेळ केली, मात्र दुसरा कोणताही फलंदाज त्याच्यावर खेळपट्टी उभा राहू शकला नाही आणि तो सामना वागेश्वर धोकडे संघाने 8 धावांनी त्या सामन्यात ते पराभूत झाले होते. 75 धावसंख्येपर्यंत मजल मारली होती, याच्यावरूनच अंदाज येतो की ह्या खेळपट्टीवर जर आपण खेळपट्टी उभे राहिलात, मोठे फटके लगावलेत, तर ही धावसंख्या देखील पार करता येते. आणि इथे खेळणाऱ्या प्रत्येक फलंदाजांनी सामन्याचा किताब घेताना हे उत्तर दिलं होतं की या मैदानात किती धावा चेस होऊ शकतात. त्यावेळेस उजव्याशीच्या खूपच बाहेर जाणारा चेंडू, कदाचित चेंडू सोडला असता तर व्हाईट बॉल देखील मिळाला असता, बॅटची कडा लागली, कॉट बिहाइंड विकेटचे कपिल नक्कीच केलं गेलं, पंचांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्नही केला जातोय. आणि नेहमीप्रमाणे उत्साही यशरक्षक आपल्याला या सामन्यात देखील पाहायला मिळतोय. यावेळेस नक्कीच चांगला फटका, आपण पाहतोय चेंडू गली आणि पॉइंटच्या मधून जातोय सीमारेषेपार, चौकार. आपण या स्पर्धेत पाहिलं तर जेव्हा जेव्हा कर्णधार नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय, त्यांनी एक क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि या खेळपट्टीवर धावांचा पाठलाग यशस्वीरित्या पूर्ण करता येतो हे त्यांनी पाहिलंय. एक मोठी धावसंख्या आहे, पण त्याच दृष्टिकोनाने फलंदाजी सुरू आहे सलामीरांची. स्लोअर वर चेंडू होता, या चेंडूला ओळखला, एक चांगला फटका, चेंडू चाललाय काय करू सीमा दणदणीत चौकार. चौकरांसाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आहे, सलग 6 चौकरांसाठी 5000 पारितोषिक आहे. त्याचबरोबर संकेतने जर सलग 6 चौकार लगावले तर परी हॉलिडेज यांच्याकडून 5000 रुपयाचं पारितोषिक येईल. पहिला पाहूया 3 चौकार येत आहेत का, कारण त्याच्यामध्ये ती क्षमता नक्कीच आहे. आणि हा नक्कीच तिसरा चौकार येतोय, सलग तिसरा चौकार संकेत मात्रेच्या बॅट मधून. ओमकार राणेने सलग 3 चौकार लगावले, त्यानंतर रोशन पाटील शिवशक्ती लोणारे संघातील खेळाडूने. आणि आता आपण पाहिलं तर 3 चौकार लगावले ते म्हणजे जयमान धुकोडे संघातील संकेत मात्रेने. अजून सलग 3 चौकार तो लगवणार का,
यावेळेस कम बॅकिंग डिलिव्हरी फलंदाज जर फटके लगाऊ शकतो तर मी देखील चांगला चिडून टाकून त्याला अडचणीत आणू शकतो असंच काहीसं दाखवतोय गोलंदाज सुयश पाटील. पहिला चेंडू निर्धाव, पुढील तीन चेंडू चौकार, पुढील चेंडू निर्धाव. अशा प्रकारे या षटकातील पाच चेंडूंचा खेळ झालाय. यावेळेस फाईन लेगच्या दिशेने ट्रॅव्हल करणार चेंडू आपण पाहतोय. चेंडूने दिशा बदलली अँड लॉंग स्टॉप बाउंड्रीच्या बाहेर चार धावांसाठी या षटकातील चौथा चौकार. धावसंख्येचा पाठलाग करताना बिनगडी बाद 34 अशी सुरुवात केलेली आहे ती म्हणजे अर्ण गौरी पुरस्कृत जयमान धुकोडे या संघाने. विजयासाठी आता समीकरण पण पाहतोय 18 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यकता आहे ती म्हणजे 50 धावांची. अविनाश माते पुरस्कृत बेरसे संघाचा कर्णधार उपस्थित झालेला आहे. चला राजा शिवछत्रपती किहिम संघाचा कर्णधार, चला त्वरित यायचं नाणेफेकीसाठी. प्रतिस्पर्धी संघाचा कर्णधार उपस्थित झालेला आहे. राजा शिवछत्रपती किहिम संघाचा कर्णधार आणि प्रतिस्पर्धी संघ आपल्या समोर असणार तो म्हणजे अविनाश माते पुरस्कृत बापदेव भेरसे संघ. चुकीची दुरुस्ती, अविनाश माते पुरस्कृत बापदेव भेरसे. राजा शिवछत्रपती संघाचा कर्णधार मी विनंती करतोय. बापदेव संघाचा कर्णधार चला नाणेफेकीसाठी आहे. ओव्हर टू द निनाद कदम. 18 चेंडू आणि 50 धावा बनवायच्या आहेत. पहिल्या दोन षटकात 34 धावा आल्यात, याचा अर्थ पावटीच्या षटकाचा पुरेपूर फायदा उचलला गेलाय. मंदार मात्र येतोय गोलंदाजीसाठी. पहिला चेंडू आपण पाहतोय लोअर फुल टॉस पहिला चेंडू खेळायचा होता. लॉंग ऑफच्या दिशेने बॅटचे कडाके चेंडू चाललाय. स्वीपर गौरव क्षेत्ररक्षकाच्या जवळ एक धाव मिळते, स्ट्राईक रोटेट होते. आता नक्की खऱ्या अर्थाने एक वेगळं बॅटल पाहायला मिळेल. डावखुऱ्याचा फलंदाज फलंदाजी करणार आणि त्याला गोलंदाजी करेल तो म्हणजे डावखुऱ्याचा गोलंदाज. मी नेहमीच म्हणतो जेव्हा एक सामना मैदानात रंगतो दोन संघांमध्ये तेव्हा एक चुरस निर्माण झाली असते, एक वेगळीच लढत आपण पाहतो मैदानात, ती म्हणजे एक चांगल्या गोलंदाजामध्ये आणि त्याच तोडीच्या आक्रमक फलंदाजामध्ये. मंदार मातेचा पहिला चेंडू पण पाहिला, एक फिरकीपट्टू आहे, एक अष्टपैलू खेळाडू आहे, महत्वपूर्ण खेळाडू आहे तो म्हणजे सुरांश पुरस्कृत शिवशक्ती लोणारे संघाचा. आणि या स्पर्धेत पहिल्या सामन्यात विजय संपादन करण्याच्या दृष्टिकोनाने तो आलेला इथे. चला प्रसाद इथे उपस्थित झालेला आहे. इथे झेल टिपण्याचा प्रयत्न केला जात नाहीये आणि आपण पाहतोय चेंडू चार धावांसाठी जातोय. आणि या षटकात तो ज्या फलंदाजीसाठी आला त्यांनी चौकार लगावला, याचा अर्थ सलग दोन चौकार झालेत आणि तिसरा चौकार लगावून पुन्हा 1000 रुपयाचं पारितोषिक पटकावण्याची त्याला संधी आले. आणि यावेळेस माझं पोट चौकारीने भरणार नाही, मी मोठा फटका लागणार असं दाखवतोय संकेत. षटकार लावतोय डीप इन विकेटच्या वरून. पटकावण्यापेक्षा माझ्या संघाचा विजय खूप महत्वाचा आहे असं त्या फटक्याने दाखवतोय संकेत. मात्र त्याच दरम्यान नाणेफेक करण्यासाठी आपण पाहतोय तिथे दोन्ही कर्णधार उपस्थित झालेले आहेत. नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी सन्माननीय सौरभ गवणकर तिथे उपस्थित आहेत. दोन्ही संघांचे कर्णधार आलेले आहेत. राजा शिवछत्रपती किहिम संघाचा कर्णधार आणि प्रतिस्पर्धी संघाचा कर्णधार म्हणजेच अविनाश मात्रे पुरस्कृत बापदेव भेरसे संघाचा कर्णधार. नाणेफेकीचा कौल लागलाय राजा शिवछत्रपती किहिम संघाच्या बाजूने. पाच षटकांचा सामना असणार आहे आणि हा सामना झाल्यानंतर त्वरित त्याने आपला निर्णय करून त्याची अंमलबजावणी करायची.
यावेळेस आपण पाहतोय पंचांचा इशारा येतोय वाईडचा, धावसंख्या आपण पाहतोय मंदारच्या गोलंदाजीवरती ही फटकेबाजी केली जाते आणि त्याच दरम्यान त्याच्या गोलंदाजी लय काहीशी बिघडलेली आपण पाहतोय. अवांत स्वरूपाची धाव तो भेट स्वरूपात येतो असंच म्हणावं लागेल. धावसंख्या होते 46 धावा या मैदानात. पंचांचा निर्णय हा अंतिम निर्णय राहणार आहे मित्रांनो. खेळाडू वृत्तीने त्या नियमाचं पालन करायचंय, स्वागत करायचं नियमाचं असं मी म्हणेन. यावेळेस कल्पकता दाखवण्याचा प्रयत्न क्षेत्रक्षीला बीट केलाय, मात्र बॅकअपला क्षेत्रक्षी घेतोय त्यामुळे एक धाव पूर्ण होते. दुसऱ्या धावायचा इथे प्रयत्न केला जात नाहीये. एक धावरती दोन्ही फलंदाज समाधान मानतायत. इथे खेळणाऱ्या सर्व संघांना आणि त्या संघातील खेळाडूंना नम्रपूर्वक विनंती असेल आणि एक माहिती असेल आपल्यासाठी की जे अंपायर्स जे पंच आपण पाहतोय हे स्वतः क्रिकेट खेळलेले आहेत, त्याचबरोबर बरेचशा क्रिकेटचा सामन्यांचा पंचांच्या भूमिकेतला त्यांचा अनुभव आहे त्यांच्या पाठीशी. यावेळेस जोरकस फटका लावण्याचा प्रयत्न, मात्र इथे मिस सेट आणि फलंदाज कुंदन इथे बाद होतोय. आपण पाहतोय या षटकातील पाचव्या चेंडू होती फलंदाज कुंदन इथे बाद झालाय. मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नात कुंदन बाद होतोय. पहिली विकेट जाते ती म्हणजे अर्ण गौरी पुरस्कृत जयमान धोकडे संघाची आणि ही विकेट प्राप्त केली ती म्हणजे मंदार मात्रेने. नवीन फलंदाज येतोय तो म्हणजे करण तोडणकर. कुंदन तोडणकर करण तोडणकर ही बंधनची जोडी आपण पाहतो अर्णव गौरी पुरस्कृत जयमान धोकडे संघामध्ये. धावसंख्या विशेष आपण पाहतोय 47 धाव फलकाला लागलेल्या आहेत. धावा चांगल्या धावगतीने धावा येतात. पहिल्या षटकात 18 धावा, दुसऱ्या षटकात 16 धावा आणि तीच धावांची गती या षटकातही राखलेली आहे, कारण या षटकात आतापर्यंत आल्या त्या म्हणजे 13 धावा. त्यामध्ये एक चौकर एक षटकाचा समावेश आहे, त्याबरोबर एक अवांत स्वरूपाची धाव देखील आपण पाहतोय. करण तोडणकर एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून त्याची ओळख आपण पाहतो. चांगला फलंदाज, त्याच चोडीचा चांगला गोलंदाज आहे. फुलटॉस चेंडू आणि या चेंडूला बिरकावलाय गाव कॉर्नर सीमारेषा पार. कलकलीत षटकाने आपल्या खेळीला सुरुवात करतोय करण तोरणकर.
कोणती दडपण दबाव पाहायला मिळत नाहीये. जसं काही जणू काही मोठे फटके मारण्याचं लायसन्सच मिळालेलं आहे. कारण हा सामना जिंकायचा असेल तर मोठी फटकेबाजी करावी लागेल. या उद्देशाने सलवर यांची जोडी मैदानावर उतरली. कुंदन जेव्हा बाद झाला, पहिला फलंदाज बाद झाला कुंदनच्या रूपात, 6 चेंडूंमध्ये 13 धावांची त्यांनी खेळी साकारली. आणि त्याच्यानंतर आलेल्या करणने आपण पाहिलं, पहिला चेंडू होती षटकरने, हे दाखवून दिलं की किती चांगल्या फॉर्म मध्ये तो आहे. आणि 3 षटकांच्या अखेरी धावसंख्या झाली ती म्हणजे 1 गडी बाद 53 धावा. आता उर्वरित 12 चेंडूंमध्ये आवश्यकता आहे अर्ण गौरी पुरस्कृत जयमन दुकडे संघाला विजयासाठी, ती म्हणजे 31 धावांची. 31 रन्स रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग. बारा चेंडू 31 धावसंख्येची आवश्यकता. समीराच्या भूमिकेत आलेला संकेत मात्रेला आपण पाहतोय. आतापर्यंत त्याच्या बॅट मधून 6 चौकार आलेले आहेत, 1 षटकार आलाय. एक चांगली खेळी त्याने आतापर्यंत साकारलेली आहे. 31 धावसंख्येवरती तो खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. वैयक्तिक धावसंख्या तो खेळताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय येतोय, रोशन पाटील. 12 चेंडू 31 धावांची आवश्यकता. आणि हे थेट प्रक्षेपण पाहतोय टेनिस क्रिकेट .in च्या माध्यमातून. पंचांचा इशारा येतोय व्हाईटचा, आउट ऑफ द लेग स्टंप व्हाईटचा इशारा येतोय. अवांत स्वरूपाची धाव, धावसंख्या होते 54 धावा. याचा अर्थ आता 12 चेंडू 30 धावांची आवश्यकता आहे. दबाव दडपण आपल्याला पाहायला मिळते गोलंदाजांवर. कारण ह्या खेळपट्टीवर जर एक खराब चेंडू पडला त्याचा नक्कीच फलंदाज फायदा उचलतात. यावेळेस फटका मारायचा एका ठिकाणी होता, मिस हिट चेंडू हवेत, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय. संकेतची खेळी ते संपुष्टात येते, रोशनला यश मिळतंय. संकेत बाद होताना आपण पाहिलं चेंडू चांगला होता, मात्र या चेंडूला अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या चेंडूचा सुरी कसा मिळाप झाला नाही, हीच लागली, चेंडू हवेत गेला. आणि आपण पाहिलं तर मिडॉनच्या क्षेत्रावरती असलेल्या क्षेत्ररक्षण मागे जात एक चांगला झेल टिपलाय. रोशनला इथे यश मिळतंय. रोशननी फलंदाजी तो तिसऱ्या क्रमांकावर आला होता आणि अंतिम काही चेंडूंचा सामना करताना फलंदाजी करताना 8 चेंडूंमध्ये त्यांनी 4 चौकार एका षटकांशी 24 धावांची खेळी केली होती. आणि त्याच खेळीच्या बळावरती, त्याचबरोबर तुषारच्या चांगल्या अर्धशतकाच्या बळावरती एक मोठी धावसंख्या रचली होती, ती म्हणजे प्रथम फलंदाजी करताना 16 पुरुष शिवशक्ती लोणारे या संघाने या धावसंख्येचा पाठलाग करताना आपण पाहतोय ते म्हणजे तुकडे संघाला. पहिला चेंडू, या चेंडूवरती मिस हिट आणि क्षेत्ररक्षक करण मात्र पहिल्या चेंडूवरती बाद होऊन तंबूच्या असलं. कारण पहिल्या चेंडूवरती बाद झाला, एक आक्रमक फलंदाज आहे, मोठे फटके ते लगावू शकतो. मात्र रोशन इथे प्रभावित करतोय, सलग 2 चेंडूवरती 2 फलंदाजांना बाद करून आपल्या संघाला पुनरागमन करून देतो या सामन्यामध्ये. सलग 2 चेंडूवरती 2 विकेट प्राप्त करून हॅट्रिक चोंबठ्यावर गोलंदाज रोशन पाटील. तर रोशनने या चेंडू विकेट प्राप्त केली, हॅट्रिक संपादन केली, तर नक्कीच या स्पर्धेतील अजून एक हॅट्रिकवीर आपल्याला पाहायला मिळेल. या स्पर्धेत आतापर्यंत आपण 2 हॅट्रिक पाहिल्यात. एक सुमित गुरव या गोलंदाजांनी पहिली हॅट्रिक संपादन केली या स्पर्धेत, त्यानंतर विनीत पाटील कोळशिर भाग संघाच्या गोलंदाजाने हॅट्रिक संपादन केले. या स्पर्धेतील तिसरा हॅट्रिक वीर गोलंदाज रोशन पाटील होणार काय पाहायचंय. त्याच्या समोर नवीन फलंदाज फलंदाजीसाठी येतोय चेतन. यावेळी चोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि या प्रयत्नात फलंदाज इथे धावचित स्वरूपात दुर्दैवरित्या अचेतन बाद होतोय.
ढकलण्याचा प्रयत्न करतोय. आता मात्र 9 चेंडू आणि विजयासाठी आवश्यकता आहे ती म्हणजे 30 धावांची. 2 चेंडूवरती 2 विकेट आणि तिसऱ्या चेंडूवरती धावचित प्रकारात फलंदाज बाद झालाय. आणि यावेळेस करंटचा फटका मिस हिट. क्षेत्ररक्षक प्रयत्न नक्कीच करतोय. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होणार का? दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातोय. दुसरी धाव पूर्ण होते. बॅकअपला आलं क्षेत्ररक्षक. नक्कीच कौतुक करावं लागेल. सीमारेषेच्या जवळ जाऊन त्यांनी चांगला प्रकारे चेंडू अडवलाय. आपल्या संघासाठी निश्चितच 2 धाव त्यांनी रोखल्यात. धावसंख्या होते ती म्हणजे 56 धावा. 8 चेंडू 28 धावा. कालच्या दिवशी आपण पाहिलं तर त्याचप्रमाणे या सामन्यातही तसंच काहीसं चित्र म्हणावं लागेल. जयमान सातेजी विरुद्ध वागेशी धुकुळे संघामध्ये असंच घडलं होतं. 2 षटकांमध्ये 18 धावांची आवश्यकता असताना 28 धावांची. पहिले 3 चेंडू निर्धावले ते यावेळेस कल्पकता. रिव्हर्स स्वीपचा फटका यशस्वीपणे चौकार येतोय. गोलंदाज वर्चस्व प्रस्थापित करतोय. धावसंख्या 60 झालेली आहे. 7 चेंडू 24 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळेस बॅची कडा यशरक्षक जेल टिपतो. एक मोठा आग्रा मोठा झटका धुकवडे संघाला. चेंडू आणि आता विजयासाठी आवश्यकता असेल ती म्हणजे 24 धावांची. रोशन पाटील षटक म्हणावं लागेल तर खऱ्या अर्थाने कम बॅक करणं षटक. आणि या षटकामध्ये त्याने प्रतिस्पर्धी संघाला जो चांगल्या धावगतीने धावा जमवत होत्या त्या संघाला बॅकफूटला ढकलले. तब्बल 3 विकेट त्याने प्राप्त केल्या आणि एक फलंदाज धावचित प्रकारात बाद झाला. आणि अंतिम षटकात येतोय गोलंदाज मनीष. मनीष मात्र येतोय ज्यांनी पहिलं षटक केलं होतं. 18 धाव खर्च केले होते अंतिम षटकासाठी. तो येतोय आणि त्याच्यासमोर आव्हान असेल 6 चेंडू 24 धावा रोखण्याचं. सागर आणि त्याच्या साथीला नवीन फलंदाज केतन. दोन्ही नवोदित फलंदाज खेळपट्टी आपण पाहतोय. यावेळी चांगला चेंडू. या चेंडूवरती कोणतीही धाव येत नाहीये. निर्धाव चेंडूनी मनीषची सुरुवात केली. 5 चेंडू विजयासाठी. अजूनही 24 धावांची आवश्यकता आहे. सागर मोठे फटके लगावणार का? आपल्या संघाला विजय मिळवून देणार का? या चेंडूवरतीही केवळ 1 धाव मिळणार आहे. याचा अर्थ आता 4 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता. पहिल्या 3 षटकांमध्ये असं वाटत होतं पूर्णतः वर्चस्व दबदबा रोशनचा. पुढचा चेंडू निर्धाव. याचा अर्थ आता 3 चेंडू 23 धावा. मनीषने अंतिम षटकात चांगली गोलंदाजी केली. दोन्ही फलंदाजांना तो हात मोके करून देत नाहीये. आणि अंतिम चेंडूंमध्ये आता अंतिम चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 3 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील. 23 धावांची आवश्यकता आहे. तर हा सामना संपण्याआधीच दोन्ही पुढील संघांना विनंती असेल व्यासपीठाच्या दोन्ही बाजूला बसण्याची आसन व्यवस्था आपण इथे यायचंय. पुन्हा 1 चेंडू निर्धाव. फलंदाज मोठे फटके मारून सोडूनच द्या. मात्र बॅटचा चेंडूचा त्यांचा संपर्कही होत नाहीये. या षटकातील 4 चेंडूंमधील 3 चेंडू निर्धाव टाकलेत मनीषने. अंतिम 2 चेंडू आणि यावेळेस यशचित केलं जात आहे. मंदारचं चांगलं यशरक्षण. त्वरित चेंडू आल्यावर हातात त्यांनी यशच्या उद्ध्वस्त केल्यात आणि केतन देखील इथे बाद होतोय.
अंतिम चेंडू हा सामना संपण्याची केवळ औपचारिकता म्हणावी लागेल। अंतिम दोन चेंडूंमध्ये मिळवलेलं वर्चस्व आपण पाहिलं, दोन षटकांमध्ये आणि अंतिम चेंडूवरती निर्धाव अप्रतिम षटकाची सांगता, अशा प्रकारे हा सामना जिंकलाय। स्वरांश पुरस्कृत शिवशक्ती लोणारे या संघाने अभिनंदन या संघाचं, त्याचबरोबर या स्पर्धेत सहभाग घेतल्याबद्दल अरुण गोवरी पुरस्कृत जर्मन दोकड संघाचे आभार प्रकट मी करतोय। आणि या सामन्यातील सामनारचा पुरस्कार मी जाहीर करतोय। तत्पूर्वी राजा शिवछत्रपती किहिम आपण आपला निर्णय कळवायचा आहे।